मेरा बच्चा बात बिल्कुल नहीं मानता है. जो वह एक बार स्वीकार लेता है वह निभाता नहीं है. न चाहते हुए भी क्रोध आता है और नकारात्मक सोच बढ़ती है. मुझे सलाह दीजिए, बच्चा यहीं है, उसे कुछ आशीर्वाद उपदेश दीजिए. कहाँ है आपका बेटा? कितने साल का है? 15 साल का. पढ़ाई करता है या नहीं करता है? 12th में पढ़ता है अभी. 10th में पढ़ता है. 12th में जी. पढ़ाई में अच्छा है या नहीं? पढ़ाई में ठीक ही है. मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज ठीक ही है. एवरेज है. तो क्या बात आपकी मानता नहीं है? फ्रेंडशिप, जैसे अननेसेसरी फ्रेंडशिप ज़्यादा करता है, प्लस उसके बाद स्टडी में लेस केयर रखता है और इनडिसिप्लिन ज़्यादा करता है. जो चीज़ बोलता है मान जाता है पहले, फिर बाद में नहीं मानता उसे. क्या क्या इनडिसिप्लिन में क्या करता है? बात मानना नहीं, जैसे ज़्यादा समय इधर उधर बिताना, घूमने में बिताना, जैसे यही सब. फ्रेंड सर्कल में घूमते रहता है. तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा ज्ञान दर्शन में आशीर्वाद दे दीजिए इसे, क्योंकि मैं टीवी पर प्रोग्राम देखता था. मैं सोच रहा था कि एक बार अहमदाबाद जाके मिलूँ आपसे, तो लेकिन चूंकि यहाँ आ गई तो इसलिए मैं कहा कि मिलता हूँ. बेटा देखता है टीवी में हमारा प्रोग्राम? नहीं, ये तो शायद नहीं देख पाता क्योंकि स्कूल रहता है. मैं भी कभी कभी देख पाता हूँ उसमें. क्या पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं, सच कहते हैं? मैं तो अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार मतलब दोस्तों के साथ घूमने की वजह नहीं होते हुए मतलब कुछ पढ़ाई के कारणों से घूमना पड़ता है, तो उसकी वजह से घर में लगता है करके कि मैं अननेसेसरली घूम रहा हूँ. तो वही मतलब घर में इसीलिए टेंशन होती है करके कि मैं अननेसेसरी घूम रहा हूँ. लेकिन मेरे को नहीं लगता है, मेरे को हर बार नहीं लगता कि मैं अननेसेसरी घूम रहा हूँ. मेरे को लगता है मैं किसी काम से घूम रहा हूँ. क्या काम से घूम रहे हैं? कई बार जैसे पढ़ाई के काम रहते हैं, किसी से किताब लेनी हुई या किसी से नई बुक लेनी हुई, उसके चक्कर में घूमना पड़ता है. तो आजकल कोई देता नहीं है तो इधर उधर दूर दूर तक जाने पड़ते हैं, जिसके कारण लेट हो जाता है कई बार. सच कहता है किताबों के इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, मतलब ऐसे जैसे जो हम जैसे चाहते हैं वैसे रहता नहीं है. तो ये सब थोड़ा ठीक है, किताबें में कुछ आवश्यक है लेकिन ज़्यादा अनावश्यक भी हो जाता है. तो किताबों के लिए जाना बराबर है. आपके पास टाइम रहा तो आप जाके लेके आओ और उसको घर में बिठाओ. वो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार ही हूँ. सब कुछ मैं तैयार ही हूँ. पापा को सब... भेजो किताब लेने के लिए. आप घर में बैठ के पढ़ाई करो. अभी 12th का है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी ना, नहीं तो करियर क्या बनाओगे? वो केवल परीक्षा के दिन में रात 3 बजे रात पढ़ेगा उस समय. अभी आप शांत रहो. क्या बेटा हमारी बात समझ में आती है? हाँ. अभी 12th है ना, तुम्हारी सारी जिंदगी का करियर है. इसमें अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो सारी जिंदगी भर आप पछताओगे. फिर ये दिन बार बार नहीं आएंगे. तो अभी ये सब जाना है. फिर काम के बगैर भी मत जाओ, और काम रहा तो पापा को भेजो. पापा जाएंगे ले आएंगे. फ्रेंड्स को फ़ोन करके कह देना कि पापा आ रहे, किताब लेने को दे देना. और आप पढ़ाई में ध्यान रखो और अब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो पढ़ाई. जितना पढ़ा है उतना याद रह जाए. उसके लिए 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकारो दिल से बोलो. आप भी सब घर में उसके साथ बैठ के बोलने लगो. फिर आप पढ़ाई के लिए बैठो, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा. पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आएगा और सब याद रहेगा. कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने से करोगे ना, हम बताते हैं वैसा. पक्का. अभी आप भी उसको बहुत डांटना टोकना मत, प्रेम से कहो. मैं तो चाहता बिल्कुल भी नहीं हूँ डांटना, लेकिन हम क्या, ऐसा मौका आ जाता है कि ऐसा कर बोलना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी. ठीक है, प्रेम से लो. धन्यवाद. जय सच्चिदानंद.